सावन के दूसरी सोमवार को पाकिस्तान में खुला 1000 साल पुराना मंदिर, लगे हर हर महादेव के नारे। ये लाहौर से यह खबर है। बताया जा रहा है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शिवालय में प्रधानमंत्री इमरान खान की दरिया दिली से लगभग भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर खोला गया है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। इस मंदिर को बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सावन महीने की दूसरी सोमवारी को 29 जुलाई को मंदिर के द्वार खोले गए हैं। दिवंगत लेखक राशिद नियाज के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ सियालकोट में इस मंदिर का जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार यह मंदिर 1000 साल पुराना है और लाहौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर के धारावाल क्षेत्र में है। इस मंदिर का नाम सवाला तेज सिंह मंदिर है। बताया जा रहा है इस मंदिर के खोलने से पर्यटकों को, पाकिस्तान में रह रहे भारतीय लोगों को काफी खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखरेख करने वाले एबेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने स्थानीय हिंदू समुदाय की मांग पर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पहली बार मंदिर का दरवाजा खोला है। उन्होंने कहा है कि पहले इस क्षेत्र में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं रहते थे, इसलिए यह मंदिर बंद था। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इस मंदिर पर हमला हुआ था और यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ चर्चा कर दें कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 75 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन इस समुदाय का कहना है कि यहाँ 90 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। पाकिस्तान में एक दिन में ऐसा संभव नहीं हुआ। जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान की सरकार बनी, उन्होंने यह कहकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को हैरान कर दिया था कि वह देश के हिंदुओं और मंदिरों के कल्याण की दिशा में कार्य करते हुए देश के तकरीबन 400 मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धर्म जबरन धर्म परिवर्तन को गैर इस्लामी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी इतिहास में दूसरों का जबरन धर्म परिवर्तन की कोई मिसाल नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर इस्लामाबाद में एवान ए सदर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में खान ने कहा कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके उपासना स्थलों को विकसित करने की शपथ लेते हैं। पैगंबर ने खुद भी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी और उनके उपासना स्थलों को सुरक्षा प्रदान की थी, तो हम किस को जबरन धर्म परिवर्तन करने को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? चाहे गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की बात हो या फिर बंदूक के दम या किसी को उसके धर्म की वजह से मारने की बात हो, यह सारी चीजें गैर इस्लामिक है। अगर इस्लाम ने पैगंबरों को अपना विश्वास किसी पर थोपने की शक्ति नहीं दी तो फिर हम ऐसा कौन होते हैं? एक वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के श्राइन बोर्ड के उप सचिव सैयद फराह अब्बास दिख रहे हैं। उन्होंने पूजा से पहले मंदिर का दौरा किया था, साथ ही उन्होंने सियालकोट के हिंदू समुदाय से बातचीत की थी। उन्हें इस मंदिर में आकर पूजा करने के लिए आमंत्रित किया था। मंदिर खोलने के बाद जिस वक्त यहाँ पूजा के लिए श्रद्धालुओं ने हवन की, उसकी भी अध्यक्षता सैयद फराह अब्बास अहमद ने की।